हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून डियर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माय फैमिली के बारे में। ये क्लास टू का वीडियो है, ठीक है। क्लास टू का साइंस है, ईवीएस है ये, ठीक है। ईवीएस नोटस साइंस, इसमें एसएसटी और साइंस दोनों मिक्स रहता है, इसलिए इसको ईवीएस बोला जाता है। तो ये माय फैमिली है, चैप्टर टू है। गॉट दैट? तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अभी। माय फैमिली के बारे में, हमारे फैमिली भी होते हैं, आप लोग का भी फैमिली है, आप लोग का भी फैमिली है, आपके परिवार हैं, आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो, भाई बहन के साथ रहते हो, दादा दादी के साथ रहते हो। तो सबका अलग अलग फैमिलीज़ होते हैं, किसी के दादा दादी नहीं होते हैं, मतलब कि डेथ कर जाते हैं, या तो किसी के सिर्फ मम्मी पापा हैं और कोई नहीं है और तुम हो, ओके, किसी के एक भाई बहन है, ऐसे होते हैं। तो सबका अलग अलग टाइप है। तो फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे बाबू, देखो ध्यान से सुनोगे, आप लोग सब स्मार्ट बच्चे हो, तो स्मार्ट बच्चे लोग अच्छे से सुनते हैं, तो आप लोग भी सुनोगे। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, अभी यहाँ क्या बोल रहा है कि फैमिली के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स मतलब प्रकार होता है, ठीक है। तो फैमिली के भी टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली एक ही तरह का होता है, अलग अलग तरह का फैमिली होता है, अलग अलग तरह का, अलग अलग तरह का परिवार भी होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सब फैमिली के साथ रहते हैं ना। फैमिलीज कैन बी लार्ज और स्मॉल। फैमिली क्या हो सकता है? लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी। लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। तो फैमिली बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आवर मदर फादर आवर पेरेंट्स, ठीक है। हमारे जो मम्मी और पापा हैं वो हमारे क्या हैं? पेरेंट्स। हम लोग बोलते हैं ना, स्कूल से नोटिस आता है डियर पेरेंट्स इस तरह से करके, तो पेरेंट्स मतलब कि दोनों के लिए बोला जा रहा है, यहाँ आपके मम्मी के लिए भी और पापा के लिए भी, एक कॉमन वर्ड ले लिया है, ठीक है। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और हमारे जो भाई हैं और बहन हैं, ठीक है, उनको क्या जानते हैं हम लोग? सिबलिंग्स, ठीक है। अगर आप लोग से कोई पूछता है कि आप लोग कितने भाई बहन हो, ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर, ठीक है, आपके कितने भाई बहन हैं। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। तो अगर आप लोग दो ठो हो, एक बहन हो और एक भाई हो, तो बोल देना सिंपली टू, ठीक है। तो सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, फरहान लिव्स इन ए स्मॉल फैमिली। फरहा नाम के एक लड़की है, एक छोटे से फैमिली में वो रहती है। ही लिव्स विथ हिज फादर, वो अपने किसके साथ? पापा के साथ रहती है। मदर अपने मम्मी के साथ रहती है, और एन एल्डर सिस्टर। एल्डर मतलब क्या होता है? उससे बड़ा, ठीक है। एल्डर मतलब बड़ा, इससे जो सिस्टर होगी, एक और सिस्टर है इसकी, तो इससे बड़ी सिस्टर, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? एल्डर, ठीक है। यंगर मतलब छोटा होता है, ठीक है। यंगर मतलब क्या होता है बाबू? छोटा होता है, ओके। एल्डर मतलब बड़ा होता है। तो अपने बड़ी बहन के साथ रहती है कौन? फरहा, पापा मम्मी और उसके बड़ी बहन। इस तरह का फैमिली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ये छोटा फैमिली हुआ ना, तो छोटा फैमिली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फैमिली, जो जिनके पास पापा मम्मी हो और भाई बहन हो उसके, बस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। एज अ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, ये एग्जाम्पल दिया गया है, मम्मी है, पापा है, भाई है और बहन है, बस इतना लोग को साथ, ये हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, शॉर्ट फैमिली होता है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नैन्सी, एक ये नैन्सी नाम की लड़की है। नैन्सी हैज़ अ वेरी स्मॉल फैमिली, इससे भी अभी जो हम लोग देखें न्यूक्लियर फैमिली, इससे भी छोटा फैमिली होता है जो कि नैन्सी के पास है। अब इससे छोटा क्या होगा देखते हैं। सी लिव्स ओनली विथ हर मदर, वो क्या रहती है? सिर्फ अपने मम्मी के साथ रहती है, सिर्फ मम्मी के साथ रहती है, उसके पापा नहीं है। किसी के होते हैं ना कि पापा का डेथ हो गया है तो सिर्फ मम्मी के साथ रहती है, या तो मम्मी का डेथ हो गया तो पापा के साथ रहते हैं। तो इस तरह का फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली बोला जाता है। गॉट दैट डियर? सिंगल पेरेंट फैमिली, क्योंकि एक ही पेरेंट है उनके, क्या है? सिर्फ एक पेरेंट है, उसके मम्मी है, ओके। इसलिए यहाँ पे पेरेंट बोला गया है, एस नहीं लगाया गया है पेरेंट्स में, ठीक है। पेरेंट्स मतलब एस लगा हुआ है, मतलब कि दोनों हैं, एस हटा दिया गया तो सिर्फ एक मम्मी होंगे या तो पापा होंगे। अब देखो रिशा नाम की एक लड़की है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा के साथ, और यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर मतलब कि उससे छोटी बहन, ओके। और ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि उनके दादा दादी, ठीक है, उनके दादा दादी, ओके। अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट, वो फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हो, दादा दादी हो, पेरेंट्स हो, मम्मी पापा भी हो और उनके बच्चे भी हो, साथ में रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लार्ज फैमिली बोलते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली था, ऊपर वाला जो देखे थे ये न्यूक्लियर फैमिली था, ना तो ज़्यादा सिंगल मतलब कि ये एकदम शॉर्ट फैमिली, शॉर्ट ही फैमिली है, बट उतना भी शॉर्ट फैमिली में ये हमारा हुआ सिंगल पेरेंट फैमिली, और ये फैमिली हुए हमारे न्यूक्लियर फैमिली। और लार्ज फैमिली किसको बोलेंगे, जिसके साथ मम्मी पापा भी हैं, उनके भाई बहन भी हैं, उनके दादा दादी भी रहते हैं। देखिए लार्ज फैमिली का एग्जांपल है ये आपका, ये लार्ज फैमिली, ये फैमिली है मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक विवेक नाम का लड़का है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा भी रहते हैं उसके साथ, दो अंकल्स, अंकल्स मतलब चाचा, ठीक है, उनके दो चाचा भी साथ में रहते हैं, आंट भी रहती है उनकी, आंटी भी रहती है, चाची भी रहती है, साथ में उनके कज़न भी रहते हैं। कज़न कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि आप विवेक जो है, विवेक के चचेरा भाई को कज़न बोला जाता है। ठीक है, चचेरा भाई, विवेक के जो चाचा है ना उनका जो बेटा हुआ, तो उन लोग आपस में भाई हुए ना, जैसे हम लोग चचेरा बोलते हैं ना कि वो मेरा चचेरा भाई है, तो चचेरा भाई को कज़न बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो कज़न मतलब उसके चचेरा भाई बहन हो गए। और यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी भी साथ में रहते हैं, तो ये लार्ज फैमिली हुआ, लार्ज से भी ज़्यादा लार्ज फैमिली हुआ। तो यहाँ पे इसको हम लोग कौन सा फैमिली बोलेंगे, ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे। लार्ज फैमिली है लेकिन इसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे, क्योंकि इनके चाचा चाची अभी अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अलग नहीं हुए हैं तो सब एक साथ रहते हैं मिलकर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे। तो फैमिली का अलग अलग टाइप है, यहाँ पे देख लिया आप लोग, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये हमारा ज्वाइंट फैमिली है। और नीचे में भी और भी कुछ है, फैमिली मेम्बर्स केयर फॉर ईच अदर, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना आपके घर में, वो एक दूसरे का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं एक दूसरे का, और अलग अलग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं साथ में, स्पेशल ओकेज़न को, जो स्पेशल अगर आपके घर में कोई त्यौहार है या कुछ शादी समारोह है, किसी भी तरह का फंक्शन है, तो आप साथ में मिलकर सब इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और हम अपने हमारे फैमिली को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए फैमिली को, कभी भी उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, हमारे कज़न हो, भाई बहन हो, जो भी, उनको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके डियर, तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आपको मैं बैक एक्सरसाइज भी करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बस हम समझा देते हैं, तो देखिए अगर ज़्यादा देर का करेंगे तो ज़्यादा देर का क्लास हो जाएगा, इसके वजह से बस समझा दे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, वन वर्ड में आंसर करना है आपको, एक ही वर्ड में सिर्फ। ब्रदर और सिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिबलिंग बोला जाता है ना, हम जस्ट बताए थे क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। ठीक है, ओके बाबू, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड में देखिए, अ फैमिली इन विच देयर इज़ ओनली वन पेरेंट, वो फैमिली जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट रहते हैं, एक पेरेंट के साथ रहते हैं, जैसे या तो मम्मी हो या तो पापा हो, तो उनको कौन सा फैमिली बोलेंगे, सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। ओके, कौन सा पेरेंट फैमिली, हम लिख देते हैं आंसर, सिंगल पेरेंट फैमिली बोला जाता है उनको। ओके, ये बी का आंसर है हमारा, सेकेंड का आंसर है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, चिल्ड्रेन ऑफ़ योर आंट एंड अंकल, चिल्ड्रेन बच्चे आपके आंटी और अंकल के हैं। ठीक है, आपके आंटी और अंकल के, उनको क्या बोलते हैं, कज़न बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, कज़न बोला जाता है। ठीक है, COUSIN को कज़न बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है मदर्स, मम्मी की माँ। ठीक है, मम्मी को, माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट। ओके, ओके डियर, नेक्स्ट है फादर्स सिस्टर, पापा के बहन को क्या बोलते हैं आप लोग, बुआ बोलते हो ना, तो बुआ को आप लोग जनरली आप कज़न भी बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, मदर्स की सिस्टर, फादर्स का जो सिस्टर है ना, उनको हम लोग आंट भी बुला सकते हैं। ठीक है, वो आंट बुला देना। ओके, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर हम आपको समझा दे रहे हैं, देखो आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस है, हु आर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, तो आपके दादा दादी होते हैं, तो इनका आंसर लिखिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, तो न्यूक्लियर फैमिली में आपको बस आंसर दे देना, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन से लोग रहते हैं। ठीक है, उसमें मम्मी पापा रहते हैं और भाई बहन रहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली किसको बोलते हैं, जिसमें सारे लोग रहते हैं, आंट रहती है, अंकल रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आपके मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, कज़न्स रहते हैं, इनको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। बस यही है आंसर, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर और भी कोई चैप्टर पढ़ना है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है।
और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए इसको। ओके डियर, बाय, टेक केयर।